देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। बढ़ते कोल्ड अटैक के बीच मौसम विभाग ने यूपी पंजाब समेत कई राज्यों में अगले 3 दिन बेहद घने कोहरे और कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। ऐसे में हाड़ कपा देने वाली ठंड में लोग काफी बीमार हो रहे हैं। सर्द मौसम में बुजुर्गों और खासकर हार्ट के पेशेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी से जूझना पड़ रहा है। इस कड़ी में यूपी के कानपुर में दिल के दौरे के बढ़ते मामलों से राज्य के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर में कड़ाके की ठंड में हर दिन 600 से ज्यादा मरीज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। हृदय रोग संस्थान की बात करें तो 500 से ज्यादा मरीजों का यहां इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो बीते हफ्ते में हार्ट अटैक से 108 लोगों की मौत हुई है। बताया गया है कि 51 रोगियों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है, जबकि 57 लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। पिछले 24 घंटे में संस्थान में जो भर्ती मरीज गंभीर दशा में थे, करीब 230 मरीज थे, उनमें से 7 मरीजों की मृत्यु इलाज के दौरान हुई है। और जो ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये है कि 15 लोग ब्रॉडबैंड आए हैं इस 24 घंटे के अंदर। इतनी अधिक संख्या आज तक कभी यहाँ संस्थान में रिकॉर्ड नहीं की गई। सर, ये सभी मौतों का कारण मुख्यतया हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक का कारण ये बन रहा है कि जो पेशेंट ऑलरेडी हार्ट डिजीज के थे या ब्लड प्रेशर के मरीज थे, उन लोगों की नसों में रुकावट थी और सर्दी बढ़ने का वो नसों की रुकावट का परसेंटेज हाई हो गया और उनको एंजाइना और हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हो गई। इसका 80% असर तो ज्यादा उम्र के लोगों में ही दिखाई दे रहा है, जो कि 60 साल से अधिक आयु के हैं उन लोगों के अंदर 80% से ज्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। यंग लोगों में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कड़ाके की ठंड का दिल और दिमाग दोनों पर गंभीर असर पड़ रहा है। कम कपड़े पहनने और कपकपी से नसों में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। ऐसे में लोग हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। कार्डियोलॉजी विभाग के मुताबिक पिछले सप्ताह गुरुवार 23 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। वहीं ठंड के चलते कानपुर में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। शीतलहर चल रही है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लिहाजा सर्दी के मौसम में अपनी हेल्थ का खासा ख्याल रखना बेहद जरूरी है। मसलन बाहर का खाना खाने से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। ठंड में जरूरत से ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मोटापे की समस्या से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। डायबिटीज के लोगों को हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। वहीं हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, स्प्राउट्स, कम मसालेदार खाने का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान और शराब जैसी मादक पदार्थों से भी दूरी बनानी जरूरी है। वहीं शरीर को हमेशा ढककर ही रखना चाहिए और बुजुर्गों को सुबह और शाम के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए।